पाकिस्तान में, दुनिया में, एक्चुअली ग्लोबली जो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है ये दुनिया में इसको इरेडिकेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में ये बढ़ता जा रहा है. और जेंडर बेस्ड वायलेंस होता क्या है कि एक स्पेसिफिक जेंडर को आप टारगेट करके उसको जो है किसी भी तरीके से उसको उसको हरास करें, उसको थ्रेट करें, उसको जो है विक्टम बनाएं. तो इसमें जैसे कि ना सिर्फ ये जो भी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, अदर देन दैट जैसे वर्क प्लेस हरासमेंट हो गया, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एवरी डे मोस्टली, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ औरतें ही होती हैं, लेकिन वर्क प्लेस हरासमेंट में भी औरतों को टारगेट बनाया जाता है. औरतें जो हैं मोस्टली हरास होती हैं. और उसके अलावा जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, शादी के बाद जो है औरत मार खा रही है या फिर इस तरह के कोई रेप वगैरह, इवन आफ्टर मैरिज, ये सारी चीज़ें मोस्टली टारगेटेड ऑन वुमेन होती हैं, ठीक है. सो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस, अदर देन दैट पाकिस्तान में जैसे ये इंसिडेंट हुआ कि आप किसी को थ्रेट कंपेल करो कि मुझसे शादी करो, अगर वो शादी नहीं करती हैं तो फिर उसको थ्रेट किया जाता है, उसको इस तरह के इलिसिट एक्टिविटी में आपको फोर्स किया जाता है कि आप इन्वॉल्व रहो. तो आई थिंक कि एक तो सबसे पहले ये जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान में. क्यों हो रहा है, इसकी दो रीज़न्स हैं. सबसे पहली रीज़न मेन जो मेरे ख्याल से अदनान साहब ने जो FIR और वो पूरा तो बता दिया, उसमें जो चार्जेस लगे, ठीक है, लॉ के ऊपर हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये लगता है कि इट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम. सो पाकिस्तान में ये इट्स अ बिहेवियरल थिंग और ये हमारे अंदर इनहेरिट है कि क्योंकि कोई भी इस तरह का तशद्दुद या ऑफेंस औरत के अगर ऊपर हो रहा है, शादी के बाद भी हो रहा है, तो आप देखें मोस्टली घरों में ये बातें सुनने को आती हैं कि एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारी गलती होगी, यू नो द वुमेन इज़ एट फॉल्ट. सो मोस्टली ये टारगेटेड, इट्स अ कल्चरल थिंग. सबसे पहले कल्चर को हमें चेंज करना चाहिए, माइंडसेट को चेंज करना चाहिए. वी नीड टू इंश्योर कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत हों, मतलब कि उनको कहा जाए, डिस्करेज किया जाए. फॉर मैन स्पेशली ये जो इंसिडेंट हुआ है अभी, उसमें अगर हम सज़ा नहीं देंगे, सज़ा नहीं होगी, कोई प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा, कोई उसको डिस्करेज नहीं किया जाएगा सोसाइटी में, उस बंदे को शेम नहीं किया जाएगा, तब तक ये प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा. एक तो ये वन ऑफ द रीजन्स, अ कल्चरल थिंग. सेकेंडली जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इस इंसिडेंट में मुझे ये लगता है कि जो हमारी ऑफेंस बुक है पाकिस्तान पिनल कोड, उसमें मेजर जो ऑफेंसेस हैं, मेजर ऑफेंसेस इस इंसिडेंट में हो गए. अब अगर रेप, उसमें पर्चा रेप का ज़रूर कटा है, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप हो गया है, उसमें अजॉल्ट हो गया है, उसमें हर्ट हो गया है, उसमें चोरी हो गई है, ब्लैकमेलिंग हो गई है, हरासमेंट हो गया, सारी चीज़ें उसमें इसमें हो गई हैं. सो ये भी देखने की बात है ना कि अगर एक इंसिडेंट के अंदर इतनी कलेक्टिव चीज़ें हो रही हैं तो उसका एक्शन क्या लिया जा रहा है. और ये मोस्टली जो ऑफेंसेस हैं ये नॉन बेलेबल, मोस्टली नॉन बेलेबल हैं. और इसमें FIR 6 से 7 इसकी प्रोविजंस के ऊपर तो FIR दर्ज हो गई है, लेकिन रीज़न क्या है इसका. रीज़न यही है कि बेल पे बंदा छूट जाता है, उसके बाद उसको ये लगता है कि द अदर पार्टी जो कि एक्चुअली जो मुलजिम है. अच्छा, ये जो बात आपने निशान दी कि बेल के ऊपर वो बंदा बाहर आ गया है जो दानिश अली है, जो सस्पेक्ट है इसके अंदर, अब लोग कहते हैं कि देखिए जी बासर है तो बाहर आ गया है, बेल हो गई है, बट एक्चुअली जो लीगल टेक्नोलिटीज़ हैं, जो गलतियाँ हुई हैं जिस तरह इन्होंने भी जिक्र किया, आपको लगता है वो इसमें शामिल है या वाकई वो बासर है तो रिहा हो गया है. देखें ये चीज़ें, अब दिस इज़ फर्दर, पहले FIR दर्ज हुई, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, बीच में जो ये बेल हुई है, अब अगेन मेरे ख्याल से, और जो कि हमारी किताब भी यही कहती है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं. अटेम्प्ट टू रेप हो गया आपका, चोरी हो गई आपकी, हरासमेंट हो गई, उसको कंपेल करना शादी के लिए, अबडक्शन, सबसे मेन जो अबडक्ट, उसको अबडक्ट किया गया. तो क्यों हुआ है ये, दैट इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस कि वाई दिस इज़ हैपनिंग. वो फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, केस जब जाएगा. लेकिन हमारे जो सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की, मेरे ख्याल से उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि 8 अगस्त को इंसिडेंट हुआ, 16 को FIR दर्ज हुई, 8 दिन का गैप क्यों हुआ. ये डराया जाता है, धमकाया जाता है सोसाइटी में लड़कियों को, विक्टिम्स को, कि जी डर के कि अगर करेंगी तो उनको आगे, शी इज़ ऑर्फिन. सो वो जो लड़की है, शी इज़ एन ऑर्फिन, और उसको प्रॉब्ली डर होगा कि अगर मैं 8 अगस्त को इंसिडेंट हुआ तो वो फ़ौरन जाती हैं जाके अपनी FIR दर्ज कराती. 8 दिन का गैप आया, उसमें DNA कब उसने सैम्पल मेडिकल जो उसके साथ जो कोशिश की गई, अटेम्प्ट टू रेप किया, इलिसिट जो एक्टिविटी की गई, जिसके वायरल वीडियोज़ हैं, अनडिनाइबल एविडेंस है. तो क्या वजह थी कि लेट हुआ, एक तो सबसे नंबर वन, ठीक है, ये कल्चरल प्रेशर की वजह से बेसिकली ये प्रेशर क्रिएट करते हैं सोसाइटी के अंदर, लोगों में, विक्टम्स को, कि आप विक्टम ना बनो, आप ही की गलती होगी, देयर इज सम प्रॉब्लम विद यू. दूसरा ये कि आगे ये देखना चाहिए कि जब FIR दर्ज हुई है,
क्या इन्वेस्टिगेशन टाइम पे होती है नहीं होती है, अभी तक तो एक्शन ठीक ही लिया गया है लेकिन क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन टाइमली होगी, क्या चलान जो ट्रायल पे मैटर जाएगा उससे पहले चलान टाइम पे होगा, ये बहुत सारे फ्लॉज हैं हमारे लीगल सिस्टम में जो कि इम्प्लीमेंटेशन का एक्चुअली प्रॉब्लम होता है। आपकी सज़ाएँ सारी मौजूद हैं लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन होती है वो नहीं होती, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बड़ी फ्रीली फिर रहे हैं इस सोसाइटी में।